Hello students, I'm Rajesh Kumar Mahajan. Today we are going to discuss common mistakes in company accounts which generally commit while attempting the accountancy paper. First of all, we are going to start with the share capital. So, सबसे पहले बात करते हैं मेन securities की. Securities term एक broader term है जिसके अंदर जो है share, debentures, आपके bonds ये सब कुछ include होते हैं. उसके बाद आती है बात आपकी ज्वाइंट अकाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट. जब भी आपके पास लमसम मनी दी हुई हो, जब भी हम शेयर का पैसा लमसम अमाउंट में मंगाएं, उस समय जो है हम शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट वर्ड यूज करते हैं. उसके बाद बात आती है शेयर एप्लीकेशन वर्सेस शेयर अप्लाइड. जब भी किसी क्वेश्चन में आपके पास प्रोरेटा बेस्ड क्वेश्चन हो, अप्लाइड शेयर ज़्यादा हैं और अलॉटेड शेयर कम है, इस केस में जो है हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास क्वेश्चन में जो डिफॉल्टर के एप्लीकेशन दी हुई हैं या शेयर्स दिए हुए हैं. तो जब भी आपके पास अप्लाइड शेयर्स ज़्यादा हैं और शेयर्स अलॉटेड कम हैं, उस केस में आप देखिए कि डिफॉल्टर ने डिफॉल्ट कहाँ किया. डिफॉल्टर ने अगर नॉर्मली अगर अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है और अलॉटमेंट के लिए अगर आपने एक्सेस मनी को रखा था, तो इस केस में आपके पास अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड शेयर दोनों ही होने चाहिए. और यहाँ तक रही बात एक्सेस मनी को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी हो तो हम एक्सेस मनी को अलॉटमेंट के लिए रख लेते हैं और अलॉटमेंट का मनी रखने के बाद बाकी का पैसा जो है हम रिफंड कर देते हैं. और इसके अलावा अगर क्वेश्चन पे इन्फॉर्मेशन हो कि एक्सेस मनी को आपने कहाँ तक आपने यूटिलाइज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी. अगर किसी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम मनी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, कौन सी इंस्टॉलमेंट का मंगाया गया, तो नॉर्मली हम ये मांग के चलते हैं कि उसको जो है अलॉटमेंट के साथ ही मंगाया गया होगा. इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम मनी को जो है हम पार्ट भी मंगा सकते हैं. कई बार जो है एप्लीकेशन मनी के साथ मंगाते हैं, अलॉटमेंट के साथ मंगाते हैं और फर्दर कॉल्स के साथ भी मंगा लेते हैं. नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन एक्सेस मनी. जब भी केस आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, तो नॉर्मली हम पहले भी सेकंड पॉइंट बात कर चुके हैं, एक्सेस मनी जो है हम अलॉटमेंट के लिए रख लेते हैं और कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम उस केस में जितना भी अलॉटमेंट के लिए मनी आपका ड्यू बनता है उतना रखने के बाद अगर उसके बावजूद कुछ सब अगर आपके पास बच जाता है तो उस एक्सेस मनी को हम क्या करते हैं, रिफंड कर देते हैं. और हम कॉल्स के लिए रिटर्न तभी करते हैं जब क्वेश्चन में कहा गया हो. नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट अकाउंट फॉर द एडवांस मनी रिटेन फॉर द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अगर आपने एक्सेस मनी को रिटेन किया है और एक्सेस मनी को रिटेन करने के बाद आपने उस एक्सेस मनी को अगर आपने अलॉटमेंट के लिए अगर आपने रखा है, तो उस अलॉटमेंट के रखा है तो नॉर्मली हम जो है उसके लिए जो करंट अकाउंट है वो हम यूज करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो कभी भी जो है हम अलॉटमेंट एडवांस अकाउंट और कॉल एडवांस अकाउंट अलॉटमेंट मनी एडवांस के लिए यूज नहीं करते हैं. तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने एक्सेस मनी को अलॉटमेंट के लिए अगर रखा है, तो आप जब एक्सेस मनी को शेयर एप्लीकेशन से जब आप शेयर अलॉटमेंट रखेंगे तो उस केस में तो आपको एंट्री पास करनी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ रिटेनिंग द एक्सेस मनी फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट. एरियर्स ऑन अलॉटमेंट. सिमिलरली अगर आपने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया और किसी डिफॉल्टर ने अगर डिफॉल्ट कर दिया और उस अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया, तो उस केस में जो है हम अलॉटमेंट इन एरियर्स अकाउंट यूज नहीं करते हैं और कॉल्स इन एरिया अकाउंट भी यूज नहीं करते हैं. तो ऐसे केस में हमने क्या करना होता है, जो भी आपका एरियर्स अलॉटमेंट होता है टोटल मनी ड्यू में से और पहले का एक्सेस मनी जो मंगाया था वो माइनस करने के बाद और जो एरियर्स हम माइनस करने के बाद जो बचता है वो हम अमाउंट बैंक में डालते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट. कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है तभी खोला जाता है जब क्वेश्चन में कोई ऑप्शन दी हुई हो. जब भी आपने कोई इंस्टॉलमेंट मंगाई इन द फॉर्म ऑफ कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड फाइनल कॉल और थर्ड एंड फाइनल कॉल एज द केस में भी, अगर कॉल्स का पैसा अगर आपके पास नहीं आया तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन होती हैं. पहली ऑप्शन तो ये होती है कि आपने जितना पैसा आपके पास नहीं आया, जितना भी कॉल आपके ड्यू थे उसमें से माइनस कर दिया जाए. दूसरी ऑप्शन ये होती है कि कॉल इन एरिया को अकाउंट को ओपन कर दी जाए. लेकिन कॉल इन एरिया अकाउंट को ओपन तभी किया जाता है जब क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ लिखा हुआ हो. नेक्स्ट आता है ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. कॉल्स इन एडवांस जस्ट लाइक हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव किया उसके साथ हमें फर्स्ट कॉल का एडवांस आ गया, सेकेंड कॉल का एडवांस आ गया या एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया उसके साथ जो है
कॉल्स का पैसा भी एडवांस में आ गया। तो अगर आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव की या अलॉटमेंट रिसीव की, अगर आपके पास कॉल्स आपके पास एडवांस में अगर आ रही हैं, तो हम उस केस में जो है हमारे पास जो है हम आपके पास अगेन दो ऑप्शंस हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो भी कॉल है उसका नाम लिख के उसको अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन तभी करते हैं जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट के कैलकुलेशन पे क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके एंट्री ऑन फोरफीचर। जब भी हम फोरफीचर की एंट्री पास करते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि शेयर कैपिटल को हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से ही डेबिट किया जाता है, और कॉल्ड अप वैल्यू जो हो सकती है वो फुली भी हो सकती है, पार्टली भी हो सकती है। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, अगर आपने उसमें फाइनल कॉल 3 रुपये की नहीं मंगाई है तो फोरफीचर करते समय जो है आपकी कॉल्ड अप मनी जो होगी वो 7 रुपये पर शेयर होगी, और अगर शेयर फुली कॉल्ड अप है तो 10 रुपये के हिसाब से होगी, जैसे हमने केस एग्जाम्पल में लिया। और जितना भी मनी आपने कॉल किया है, चाहे वो पार्टली कॉल्ड अप है चाहे फुली कॉल्ड अप है, उसमें से जितना पैसा आ चुका होता है वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और बाकी का जो पैसा जो आया नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन होती हैं। या तो हम रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स को क्रिएट करते हैं, जैसे अलॉटमेंट नहीं आया, कॉल्स नहीं आई है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंट्री हम पास कर सकते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अगर दो कॉलें मंगाई गई हैं। और अगर आपने एरियस अकाउंट ओपन किया था तो उस केस में जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन हमारे पास होती हैं, और इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन में कैसे दिए उसके अकॉर्डिंगली हम एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये जो सेक्शन है वो रिलेट करता है आपका यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और पहले हम बात कर चुके हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है हमारा, हम उसे एक इंस्टॉलमेंट मंगा सकते हैं और नंबर इंस्टॉलमेंट भी मंगा सकते हैं। जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो उस समय हमें देखना होता है कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम मनी रिजर्व रिसीव हो चुका है, चाहे वो एप्लीकेशन साथ हुआ या अलॉटमेंट साथ हुआ, एज अ केस में भी जैसा भी केस है, उस जितना पैसा हमारे पास प्रीमियम का आ चुका होता है उसे हम फॉरफिट कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, और जितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आया उसके लिए क्या करते हैं, फॉरफिट टाइम पे जो है शेयर कैपिटल को डेबिट करते के साथ साथ जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी प्रीमियम मनी जो आपको रिसीव हो चुकी होती है फॉरफिट टाइम पे वो कंप्लीटली इग्नोर हो जाती है। अब बात आती है सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये जो है प्रोहिबिट करता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। शेयर को डिस्काउंट इशू करना मतलब पब्लिक को डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 53 तो आपको शेयर को डिस्काउंट को इशू करने पे प्रोहिबिट करता है, जबकि सेक्शन 54 जो है कंपनी को शेयर को डिस्काउंट को इशू करने पे परमिट करता है, और वो तभी परमिट करता है कि अगर कंपनी ने उन शेयर्स को डायरेक्टर या इम्प्लॉइज को आपने इशू किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी टूवर्ड शेयर कैपिटल एंड एसपीआर व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन द प्रोरेटा बेसिस। ये बड़ा ही स्पेशल केस है, इसमें हम दो तरीके से इसको हम डिस्कस करेंगे कि पहली बात तो ये है कि आपने शेयर्स को प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट किया था, और उसके समय जो है अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी था, और आपके पास एक्सेस मनी थी, उस एक्सेस मनी को आपने कैसे यूटिलाइज किया। तो हम इसको दो तरीके से डिस्कस करते हैं। पहला तो ये कि इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी व्हेन सरप्लस मनी इज रिटेन्ड विद एप्लीकेशन सच एक्सेस मनी इज फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ फेस वैल्यू शेयर एंड द रिमेनिंग मनी इज एडजस्टेड टूवर्ड्स एसपीआर, दस एसपीआर इज नॉट एडजस्टेड आउट ऑफ द एक्सेस मनी इज डेबिटेड एट अ टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल हमने बनाई है, उस एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर राम हु अप्लाइड फॉर 920 शेयर्स वर अलॉटेड 600 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, हिज शेयर वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल,
The money payable on application was rupees 50 per share, allotment rupees 30 per share, including rupees 10 per share, and the balance on call, generalized on forfeiture. तो हमारा जो शेयर है वो है 100 रुपीज़ का, जिसमें से हमने एप्लीकेशन मंगाया 50 रुपीज़, बाकी रह गए 50 रुपीज़। 30 रुपीज़ के अंदर 10 रुपीज़ हमारा है प्रीमियम का, तो उसमें 20 रुपीज़ जो हो गए शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो 30 रुपीज़ की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बचेगी। यहाँ जो है राम ने अप्लाई किया था 920 शेयर्स के लिए और उसको अलॉट हुए 600 शेयर्स, और उसने जो है अलॉटमेंट मनी नहीं पे की और कॉल मनी नहीं पे की है। तो अब इस केस में देखते हैं कि हम एक्सेस मनी को कैसे हमें एडजस्ट करना चाहिए। तो अब आप देखें कि यहां जो है आपका जो अलॉटमेंट का मनी है 30 रुपीज है, जिसके अंदर 20 रुपीज तो शेयर कैपिटल है और 10 रुपीज शेयर प्रीमियम है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने हमने शेयर इशू किया वो शेयर हमने इशू किया 600, तो 600 शेयर के ऊपर जो मनी ड्यू अलॉटमेंट बनती है वो बनती है 620 12,000 रुपीज, और जो प्रीमियम मनी बनता है वो 610 रुपीज बनता है 6,000 रुपीज। और आप बात करते हैं कि जो एक्सेस मनी है वो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, तो एक्सेस मनी नीचे आपके सामने निकाल के दी हुई है। एक्सेस मनी कैसे बनेगी, 920 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 600 उसको शेयर मिले थे, एप्लीकेशन रुपीज 50 था, 920 माइनस 650 दैट इज रुपीज 16,000 इज अ टोटल एक्सेस मनी। अब इस टोटल एक्सेस मनी को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसमें से तो हम क्या करेंगे, इस 16,000 में से सबसे पहले हम शेयर कैपिटल का पार्ट एडजस्ट करेंगे। तो शेयर कैपिटल में जो मनी ड्यू है वो है 12,000 और एक्सेस मनी है हमारे पास 16,000 में 12,000 हमने क्या किया शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया, और बाकी जो रह गया 4,000 वो 4,000 जो है हमने सिक्योरिटी प्रीमियम मनी के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। इस तरह मालूम पड़ा कि जो टोटल मनी हमारे अलॉटमेंट पे है, शेयर कैपिटल का मनी तो पूरा हमारा एडजस्ट हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम मनी जो है हमारा 2,000 अभी नहीं आया। तो 4,000 आ चुका है, 2,000 नहीं आया, इसका मतलब जो मनी सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम आ चुका है हम इसे इग्नोर कर देंगे, और जितना प्रीमियम का मनी नहीं आया इसे हम फॉरफेयर टाइम पे एक कंसिडर करेंगे और इसको डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो हमारा डेबिट हो जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 600 × 100 रुपीज, या तो शेयर जो थे फुली कॉल्ड अप थे 100 रुपीज, तो 60,000 जो है हमारा हो गया कॉल्ड अप मनी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनता कितना है, 600 × 10 6,000 रुपीज बनता है, जिसमें से हमारे पास 4,000 ऑलरेडी आया हुआ है, तो 2,000 रुपीज हमारा नहीं आया, हमने उसको डेबिट किया। बात आती है उसके बाद फोरफीचर अकाउंट, फोरफीचर मनी वो आता है जो हमने रिसीव किया शेयर कैपिटल का पार्ट एक्सेप्ट टू द प्रीमियम मनी। तो हमने जो रिसीव किया है 650 एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है, इसके अलावा एप्लीकेशन के अलावा हमने कुछ रिसीव नहीं किया था एक्सेप्ट टू द एक्सेस मनी, और एक्सेस मनी कितना था हमारे पास 16,000 था, जिसमें से 4,000 सिक्योरिटी प्रीमियम की तरफ था, हमने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि शेयर फोरफीचर के अंदर प्रीमियम मनी रिसीव नहीं आती है। तो हमने कितना रिसीव किया, 600 × 50 प्लस 12,000 दैट इज 42,000 रुपीज। उसके बाद आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है हमारा टोटल जो बनता था 18,000 बनता था, जिसमें से हमारे पास शेयर कैपिटल का एडवांस मनी आया हुआ था वो 12,000 आया हुआ था, और जो 4,000 था वो जो था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का था। तो इस तरीके से हमारे पास जो है टोटल ड्यू था 18,000 और उसमें से टोटल रिसीव नहीं हुआ 16,000, तो हमारे पास अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव नहीं हुआ, नेट 2,000 रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट और फाइनल कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट और फाइनल कॉल 30 रुपीज की थी, 18,000 रुपीज हमारे पास जो है रिसीव नहीं हुआ। अब आगे हम देखते हैं, आपको कुछ एक पॉइंट और समझाने की कोशिश करता हूं कि आप सबसे पहले जब भी आप ये पुरटा वाले केस में फोर्सिंग एंट्री पास करते हैं, पहले आप सिंपल सी एंट्री पास कर लीजिए। जैसे मैं बड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि शेयर कैपिटल हो गया आपका 600 × 100, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया 600 × 10, शेयर फोरफीचर हो गया 600 × 50, शेयर अलॉटमेंट हो गया 600 × 30, एंड फर्स्ट फाइनल कॉल हो गया 600 × 30। अभी जो प्लस माइनस वाली बातें हैं अमाउंट है उसके बारे में कंसीडर नहीं कर रहा, तो पहले आप सिंपल एंट्री पास कर लीजिए। सिंपल एंट्री पास करने के बाद आप देखिए कि आपके पास एक्सेस मनी कितनी थी, एक्सेस मनी थी आपके पास 16,000, जिसमें से 4,000 था आपका एसपीआर, उसको छोड़ दीजिए, तो 12,000 रुपये था वो था टूवर्ड शेयर कैपिटल, वो आप फोरफीचर में ऐड कर दीजिए और अलॉटमेंट मनी में से माइनस कर दीजिए। अब बात आती है आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो रिसीव हो चुका था, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हो चुका था वो था 4,000,
तो आप उसको सिक्योरिटी पीरियड रिजर्व जो डेबिट किया उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, इस तरह जो अलॉटमेंट जो रिसीव नहीं हुआ था उसमें से उसको माइनस कर देते। इस तरीके से आप आसानी से एंट्री को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, और हर टीचर हर ट्यूटर अपने तरीके से पढ़ाता है, तो आप उनके हिसाब समझ के इसको भी आत्मसमर्थ समझ के आप दोनों तरीके से आप उसको बेहतर तरीके से कैसे बनाएं आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एक और केस की बात करते हैं, दैट इज एक्सेस एडजस्टमेंट एक्सेस मनी टूवर्ड शेयर कैपिटल एसपीआर व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन द प्रोरेटा बेसिस। तो एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसके अंदर एक्सेस मनी जो थी होगी वो क्या होगा, एक्सेस मनी जो है आपकी शेयर कैपिटल के अमाउंट से कम होगी। तो पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, एक्सेस मनी शेयर कैपिटल के अमाउंट से ज्यादा थी। अब इस केस में क्या होगा, एक्सेस मनी शेयर कैपिटल के मनी से भी कम होगी। शेयर कैपिटल मनी से कम होगी इसका मतलब इतना भी एसपीआर का अमाउंट है वो टोटल सारा का सारा जो है नॉट रिसीव होगा। लेट्स अंडरस्टैंड, क्वेश्चन वही है सेम, थोड़ा सा हमने इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में चेंज किया है। राम अप्लाइड फॉर 920 शेयर्स और अलॉटेड 600 शेयर और रुपीज 100 ईच, एंड ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द नॉन पेमेंट और मनी ड्यू अलॉटमेंट एंड कॉल, द मनी पेबल एप्लीकेशन वाज रुपीज 30 पर शेयर, अलॉटमेंट रुपीज 35 पर शेयर, इंक्लूडेड रुपीज 10 पर शेयर प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो अब देखते हैं ये कि अलॉटमेंट जो है 35 रुपीज का, इसे 10 रुपीज प्रीमियम का है, इसका मतलब हो गया जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फेस वैल्यू शेयर है वो 25 है, 30 एप्लीकेशन का है, 30 + 25 आपका 55 के बाद जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बचेगी 45 रुपीज की बचेगी। तो आप देखते हैं आगे कि आपका एयर अलॉटमेंट हमने कैसे निकालना है। तो पार्ट और शेयर कैपिटल जो बनता है अलॉटमेंट है 35 by 10 rupees शेयर कैपिटल के हैं, तो 10 rupees एसपीआर के हैं, 25 rupees हो गए आपके टूवर्ड शेयर कैपिटल, तो 625 15,000 rupees और एसपीआर होगा 600 × 10 6,000 rupees। अब देखते हैं एक्सेस मनी हमने कैसे निकाली। एक्सेस मनी निकाली हमने 920 - 600 × 30 दैट इज एप्लीकेशन मनी, 9600 rupees आपके पास एक्सेस मनी आई। अब देखते हैं कि हमारे पास 9600 एक्सेस मनी है और मनी जो हमारे टोटल ड्यू है शेयर कैपिटल पे वो है 15,000 rupees और 6,000 एसपीआर, टोटल मनी जो ड्यू है वो 21,000 है, लेकिन जो हमारे पास एक्सेस मनी 9600 rupees है वो हमारी शेयर कैपिटल के मनी से भी कम है, तो जो बैलेंस जो होगा वो कहलाएगा आपका नॉट रिसीव। तो अलॉटमेंट टाइम पे जो हमें शेयर कैपिटल पैसा जो नहीं मिला हुआ है 5,400 rupees और एसपीआर का जो पैसा नहीं मिला हुआ है 6,000 rupees। चलो अब इसको हम एंट्री तो समझने की कोशिश करते हैं, अब ये जो क्वेश्चन होगा ये ज्यादा आसान होगा। तो एंट्री ये है कि आपकी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया 600 × 100 दैट इज 60,000, एसपीआर जो डेबिट हो गया 600 × 10 6,000 जो पूरा पैसा नहीं मिला था, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 600 × 30 पहले आप इसको लिख लीजिए प्लस मैंने बाद में कर लेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट 635 और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का 645 rupees। अब बात आती है प्लस माइनस की, जो हमने अभी एक्सेस मनी की बात कर रहे हैं, तो इस केस में जो एक्सेस मनी है वो 9600 rupees है और उसमें एसपीआर का पार्ट कोई भी नहीं है क्योंकि एक्सेस मनी जो है आपके शेयर कैपिटल को भी कवर नहीं कर रही थी। तो एक्सेस मनी को क्या करें, आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ऐड कर दें और अलॉटमेंट मनी में से माइनस कर दें। अगर ये प्लस माइनस करने के तरीकों का समझ जाएं तो मेरा मानना यह है कि आपकी फॉरफीचर की एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं दोनों केस आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर एक्सेस मनी अगर आपके फ्रैक्शनल वर्ल्ड पे पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ज़्यादा है तो आपका थोड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो जाता है, और अगर एक्सेस मनी शेयर कैपिटल की वैल्यू से कम है तो आपका एसपीआर पूरा नोट रिसीव होता है। चलो आगे हम बात करते हैं शेयर कैपिटल ऑन द री इशू फॉरफिटेड शेयर। जब भी आप फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करते हैं उस समय जो है आपका शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होता है वो पेड अप वैल्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर से होता है, और जो पेड अप वैल्यू ऑन द एट द टाइम ऑफ री इशू होता है वो किसके बराबर होता है, जितना आपने कॉल किया था। आपने कॉल कितना किया ये डिपेंड करता है, जैसे 10 rupees का शेयर आपने 7 rupees कॉल किया है तो पेड अप वैल्यू भी 7 rupees पर शेयर होगी, अनलेस अदरवाइज अगर वो शेयर फुली पेड अप ना लिखे गए हों। तो अगर शेयर फुली पेड अप लिखे गए हैं तो आपका शेयर कैपिटल जो होगा जितने आपने शेयर री इशू किए हैं इनटू जो भी उसकी फेस वैल्यू है शेयर, जैसे लाइक हमने एग्जांपल में 10 rupees ली। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शेयर रीइशू करते हैं रीइशू करते समय शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट करना है कॉल्ड अप वैल्यू से, और या आपने क्रेडिट करना है फुली पेड अप से, डिपेंड करेगा आपके फुली पेड अप वैल्यू अगर लिखी हुई है तो फुल वैल्यू से, अदरवाइज जितना कॉल किया था उतनी वैल्यू से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है लॉस और गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, कि जो आपने शेयर फॉरफिट किए थे उनको आपने जब रीइशू किया तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ।
अगर आपने फॉरफिटेड शेयर्स को अगर आपने रीइश्यू किया है तो आप बड़ा सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं कि जो मनी आपने रिसीव किया उससे तो आपको बैंक को डेबिट कर दीजिए और जो आपका पेड अप वैल्यू है उससे आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। इतना करने के बाद आप क्या करिए, डिफरेंस अगर डेबिट में आ रहा है तो वो लॉस है और डिफरेंस अगर क्रेडिट में आ रहा है तो वो गेन है। तो जितना भी डिफरेंस डेबिट में आ रहा है उसके लिए आपने क्या करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसने आपने शेयर फॉरफिटर को डेबिट कर देना है और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है तो वो गेन है, उसके लिए आपने सिक्योरिटी प्रिजर्व को आपने क्रेडिट कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप इस एंट्री को पास करने की कला को सीख लेते हैं तो एंट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि आप जब शेयर इशू करते हैं तो बैंक में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी जितना आपने पैसा रिसीव किया, मनी रिसीव किया, और शेयर कैपिटल जो आपने क्रेडिट करना है वो आपने करना है जितना उसका पेड अप वैल्यू है। तो पेड अप वैल्यू को आपने बैंक से कभी भी आपने मिलाना मैच नहीं करना, ये दोनों अलग चीजें हैं, तो दोनों आपने कंफ्यूज नहीं करना अपने आपको। तो बैंक में आपने डेबिट करना इतना पैसा आपको रिसीव हुआ है और शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट करना जितना शेयर की पेड अप वैल्यू है और शेयर की पेड अप वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कॉल्ड वैल्यू कितनी थी या फुली पेड अप शेयर है। तो इस तरीके से अगर डिफरेंस अगर डेबिट में आए तो उसके लिए फॉरफिटर डेबिट कीजिएगा, अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ जाए तो एसपीआर को क्रेडिट कीजिएगा। रीइश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट, जब पहली बात तो यह है कि हमें आप मालूम पड़ सके हम पब्लिक को कभी भी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, और अगर रीइश्यू अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो वो डायरेक्टर वाले केस में या इंप्लॉइज को इशू करते हैं, तो हम जो पूरे क्वेश्चन जो करते हैं वो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि जब आपने शेयर पब्लिक को इशू किए थे। तो जब भी शेयर अगर आपने डिस्काउंट पे रीइश्यू किए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने लॉस पे रीइश्यू किए हैं। टेक्निकली जो है शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइश्यू करना इस समय जो है वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करते नहीं है, तो डिस्काउंट पे रीइश्यू करने का सवाल कैसे पैदा होगा। तो इसलिए हम क्या करें, तो जब भी आपने शेयर डिस्काउंट पे इशू किया ये लिखा हुआ हो तो इसका मतलब आप लॉस को मान के चलेगा और इसलिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने फॉरफिटर को डेबिट कर देना है। तो एंट्री पहले आप कर लीजिए बैंक टू शेयर कैपिटल और उसके बाद जो डेबिट में डिफरेंस आएगा उसके लिए आपने शेयर फॉरफिटर को डेबिट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ फॉरफिट शेयर इज रीइश्यूड। जब आप सारे शेयर इशू कर दे तो प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ पार्ट अगर अपने शेयर्स का रीइश्यू किया है तो उसमें कैपिटल रिजर्व कैसा निकालना चाहिए, कैपिटल रिजर्व प्रोपोर्शनल निकालना चाहिए। मैं आपको दो तरीके का बता रहा हूं। तो एक तो तरीका ये है कि नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, जैसे मान लो आपने 1000 शेयर फॉरफिट किया था और आपने 700 शेयर रीइश्यू किए तो क्या करें, 700 यहां लिख लीजिए ब्रैकेट गेन पर शेयर और फॉरफिटर, जो आपने फॉरफिटर टाइम पे फॉरफिटर अकाउंट को क्रेडिट किया था उस अमाउंट को आप डेबिट कर दीजिए जितने आपने शेयर फॉरफिट किए थे, तो उससे आ जाएगा गेन पर शेयर आ जाएगा माइनस लॉस पर शेयर ऑन रीइश्यू। जब आपने रीइश्यू किया उस समय शेयर फॉरफिटर अकाउंट को डेबिट किया तो उस जो भी आपने फॉरफिटर डेबिट किया है अपॉन नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो आपके पास लॉस पर शेयर ऑन रीइश्यू आ जाएगा। तो गेन पर शेयर ऑन फॉरफिटर माइनस लॉस पर शेयर ऑन रीइश्यू आपके पास आ जाएगा नेट गेन एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, एंड उसको मल्टीप्लाई कर दिए नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो आपके पास कैपिटल रिजर्व निकल आएगा। और इसके अलावा एक बड़ा सिंपल सा तरीका ये है, तो पहला तो शॉर्टकट है वो तभी आप अप्लाई कीजिए जब उसके लिए कॉन्फिडेंट हो, और दूसरा तरीका ये है जो जनरली हर जगह यूज होता है। उस केस में क्या है कि फॉरफिट टाइम आपने कितना मनी फॉरफिट किया वो ले लीजिए अपॉन जितने आपने टोटल शेयर फॉरफिट किए, तो इससे आपके पास आ जाएगा फॉरफिटेड मनी पर शेयर इंटू आप कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो आपके पास आ जाएगा जितने आपने शेयर इशू किए हैं उसके हिसाब से उसका प्रोपोर्शनल कितना आपने मनी फॉरफिट किया, और उसमें से आप माइनस कर दीजिए लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो पहले तो आपने क्या किया, प्रोपोर्शनल आपने निकाल लिया फॉरफिटेड मनी ऑफ द रीइश्यूड शेयर्स और उसमें रीइश्यूड शेयर का लॉस आपने माइनस कर दिया, तो आपका डिफरेंस जो आएगा वो आपके पास कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात आती है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें सिर्फ थ्योरी पोर्शन ही आता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं आता, पहले प्रैक्टिकल आया करता था लेकिन कुछ समय से सिलेबस में अब नहीं है, सिलेबस में सिर्फ थ्योरी पार्ट ही करना है। प्रेजेंटेशन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के प्रेजेंटेशन जो है हमारे पास दो चैप्टर के अंदर आता है, एक तो आता है हमारा इश्यू शेयर कैपिटल के अंदर, तो नॉर्मली उसके अंदर जो है हम अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं और कैश बुक की बात करते हैं, लेकिन जहां तक बात आती है प्रेजेंटेशन शेयर कैपिटल की
तो हम जो चैप्टर हमारा जो पार्ट बी है जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की बात करते हैं, चैप्टर नंबर वन के अंदर जो है हम प्रेजेंटेड शेयर कैपिटल के बारे में सीख रहे हैं। तो प्रेजेंटेड शेयर कैपिटल चाहे दोनों में से किसी भी चैप्टर में आ सकता है, तो नॉर्मली इसके आने चांसेस जो होते हैं वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में से ही होते हैं और इस पर क्वेश्चन नॉर्मली आता ही रहता है। तो आप इसमें जो कुछ क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपके कुछ एरर्स दिए हुए हैं और उसमें से कुछ आप शेयर आपने रीइशू किए हैं, सॉरी फॉरफिट किए हैं, और ऐसे कुछ शेयर आपने जो है जितने फॉरफिट के उसमें से कम रीइशू किए हैं, तो ऐसे केसेस को आप अच्छे तरीके से कर लीजिए क्योंकि ये केसेस नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब बात आती है जब कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को तो कितनी एप्लीकेशन मिनिमम उसके पास रिसीव होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर 100,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं तो उसका मिनिमम 90% जो है कंपनी को शेयर इशू अप्लाइड सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। तो 100,000 का 90% कितना होता है 90,000। इसका मतलब जो है कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है उसका मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन उसको मिलना चाहिए। अब इसके बारे में दो बातें हैं, एक तो है कि एज पर सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो ये कहता है कि कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर सच परसेंटेज ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस, फेलिंग विच द कंपनी विल हैव टू रिटर्न द मनी रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट्स एंड टू अवॉइड सच सिचुएशन द कंपनी हायर्स द सर्विस ऑफ अंडरराइटर्स। तो सेक्शन 39 जब सजेस्ट करता है कि कोई भी कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू कर रही है तो उस समय प्रोस्पेक्टस के अंदर उसकी परसेंटेज को मेंशन कर दे कि उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन परसेंटेज के फॉर्म में कितनी होगी। तो अब कितनी मिनिमम परसेंटेज हो इस पे जो है हर कंपनी अपने अपने तरीके से डिसाइड कर सकती है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए नॉर्मली कंपनी क्या करती है, सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। सेबी की गाइडलाइंस ये कहती है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को तो जितने भी शेयर इशू किए हैं तो उसका 90% जो होना चाहिए कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिलने चाहिए। और कई बार तो कंपनियां करती हैं, कंपनियां जो है 90% लेके 100% तक जो है वो अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर देती हैं। तो जो कंपनियां पूरे कॉन्फिडेंट होती है कि उनका जो है शेयर इशू जो है पब्लिक अच्छे से सब्सक्राइब करेगी, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो मिनिमम 90% जो क्राइटेरिया सेबी ने जो गाइड किया उससे भी ज़्यादा वो मेंशन कर देती हैं। तो इस तरीके से कि कंपनी इतने शेयर इशू करती है जितना भी उसका इशू साइज है उसका 90% से अगर कम एप्लीकेशन आती है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, पहले हमें एप्लीकेशन में रिसीव करनी होगी, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन और इमीडिएटली उसके बाद जो दूसरी एंट्री हम पास कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम उसको पैसे को रिफंड कर देंगे। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स इन केस ऑफ इशू डिबेंचर्स। सबसे पहली बात यूज ऑफ कॉमन टर्म ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे शेयर कैपिटल ने बात की थी इसलिए हम डिबेंचर केस में बात करते हैं कि अगर डिबेंचर जब इशू कर रही है कंपनी और लमसम मनी अगर मंगाई है तो उस केस में जो है हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एंड सेकेंड एंट्री पास करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यूज ऑफ प्रीफिक्स एज ए परसेंटेज विद डिबेंचर। जब भी आप कहीं भी आप एंट्रेंस के अंदर जहाँ डिबेंचर क्रेडिट करेंगे उसके साथ जो है परसेंट रेट ऑफ परसेंट लगाना ना बोले, और रेट ऑफ परसेंट डिपेंड बताता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी डिबेंचर पे करेगी। अब बात आती है वेस्ट टू इशू डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू करने के नॉर्मली तीन तरीके होते हैं, एक होता है इशू डिबेंचर एट पार, इशू डिबेंचर एट प्रीमियम एंड इशू डिबेंचर एट डिस्काउंट। तो हमें मालूम है कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता लेकिन डिबेंचर्स को पब्लिक को इशू डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। बात आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। शेयर कैपिटल वाले केस हमने देखा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होती है आपके सेबी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करती है 90%, लेकिन डिबेंचर वाले केस में जो है सेक्शन 39 यहां भी अप्लाई होता है, जो मैं दोबारा रिपीट नहीं किया। सेक्शन 39 मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिबेंचर केस में अप्लाई होता है। इसके अलावा जो है सेबी ने कुछ गाइडेंस दी हुई है। सेबी कहती है कि डिबेंचर जब आप इशू करते हैं तो आपने जितने डिबेंचर इशू करने हैं उसका 75% जो है आपके डिबेंचर सब्सक्राइब होने चाहिए, अदरवाइज कंपनी को पैसा रिफंड करना पड़ सकता है। नाउ ड्यूअल यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज ए कॉमन टर्म विच इज यूज फॉर द शेयर एज वेल डिबेंचर। सो व्हेनेवर वी आर इशू डिबेंचर्स, व्हेनेवर वी इशू शेयर्स, इन बोथ द केसेस वी यूज द सेम टर्म दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम मनी एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कोई अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर, दोनों के दोनों ही जो है हम डिबेंचर अलॉटमेंट टाइम पे इनको एडजस्ट करते हैं। इंटरेस्ट व्हेन द डिबेंचर्स आर इश्यूड एट
एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब भी हम बैंक से लोन रेज करते हैं, कोई कंपनी बैंक से लोन रेज करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन रेज करती है, और उसके बदले में अगर कोलेटरल सिक्योरिटीज देती है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी इज ए सिक्योरिटी जो कि जो है हम ओवर एंड अबव फिजिकल सिक्योरिटी के बाद देते हैं। तो ये सिक्योरिटी तब तक कंपनी पर पड़ रहती है जब तक हम लोन को रीपे नहीं करते हैं। लोन को रीपे करने पर कोलेटरल सिक्योरिटी हमारे वापस आती है, हम डिबेंचर कैंसिल कर देते हैं। तो ये डिबेंचर हमने इशू किया ही नहीं है जिसके बदले में कोई मनी कंसिडरेशन हमारा रिसीव हुआ। जब मनी कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ तो उसके ऊपर डिबेंचर पर इंटरेस्ट देने का क्वेश्चन राइज नहीं होता। तो इसलिए कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर ने इशू किए हैं उस पर हम कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं पे करते। डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर इन द बैलेंस शीट। डिबेंचर्स को जो हम दिखाते हैं, आपका जो उसका हेड है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज और जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लेकिन डिबेंचर्स अगर अगले बैलेंस शीट डेट के बाद 12 महीने के अंदर अगर आपने डिबेंचर को रिडीम करना है तो उनकी जो सब हेडिंग जो होगी वो होगी करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग होगी अदर करंट लायबिलिटीज, और अदर करंट लायबिलिटीज में उसे जो है हम एज आइटम जो है लाइन आइटम हम उसे करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म डेट करके शो करेंगे। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स। तो इस वाले केस को जो हम क्या करेंगे, जो भी डिस्काउंट है जो लॉस है हम उसको क्या करेंगे, हम उसको पहले सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रेट ऑफ करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रेट ऑफ अगर नहीं हो पा रहा, कुछ बैलेंस कम पड़ रहा है, तो हम उसे स्टेटमेंट पीएनएल से रेट ऑफ करेंगे। और इसके लिए अगर और डिटेल में जाना है तो हमारा ये जो सीरीज़ है हमारी वीडियोज़ की सीरीज़ उसके पार्ट वन में आप देखिए, इसके बाद हमने काफ़ी डिटेल में वहाँ डिस्कशन किया हुआ है। तो इतना हम बाद में दोबारा आपको ये रिपीट करते हैं कि जब भी लॉस और डिस्काउंट इशू डिबेंचर होगा, जिस साल आपने डिबेंचर इशू किए हैं उस साल के एंड में ये पूरा पूरा डिस्काउंट और लॉस इशू राइट अप हो जाएगा, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, और कुछ बैलेंस बच जाए तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। नेक्स्ट आपका सिलेबस कॉमन मिस्टेक्स इन केस रिडम्पशन डिबेंचर। तो इस केस में सिलेबस बार बार हर ईयर आफ्टर ईयर चेंज होता रहा है, तो आपका 2020 एग्जाम के पर्पज से आपका जो सिलेबस जो है रिस्ट्रिक्टेड है वो दैट इज रिडम्पशन डिबेंचर्स इन लमसम एंड इंस्टॉलमेंट्स। रिडम्पशन थ्रू परचेज एंड सेल इन द ओपन मार्केट एंड कन्वर्जन टू शेयर डिबेंचर आर नॉट इन द सिलेबस। तो सिलेबस को अभी सिंप्लीफाई रखा गया है। एंड नेक्स्ट बात आती है, जब भी डिबेंचर्स को आप रिडीम करते हैं, डिबेंचर्स को आप रिडीम करते हैं चाहे लमसम में रिडीम करें चाहे इंस्टॉलमेंट में रिडीम करें, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वो जो कुछ रूल्स हैं वो है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम कुछ बात करेंगे। तो पहला जो रूल है वो है दैट इज रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। दिस रूल प्रिस्क्राइब दैट एवरी कंपनी इशूइंग डिबेंचर शैल क्रिएट एटलीस्ट 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग दैट टोटल नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर बिफोर रिडम्पशन डिबेंचर रिडम्पशन सच डिबेंचर टेक्स प्लेस वेदर इट टेक्स प्लेस इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। तो इस दो इन लाइनों का मतलब ये है कि जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उस समय करना है पहली रिडम्पशन से पहले, चाहे वो डिबेंचर लमसम में रिडीम हो रहे हैं चाहे इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो रहे हैं, रिडीम डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले जितने भी टोटल डिबेंचर उसका 25% जो है कंपनी को उसका रिजर्व क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए एंट्रियां जो बनाते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की एंट्री बनाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने इसके बाद हम एग्जाम्पल को तो समझने की कोशिश करेंगे, और ये रूल नंबर जो है रूल 187B, रूल नंबर 18 सब पार्ट 7 एंड सब पार्ट 8 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 एंड वन नोट इज देयर स्टूडेंट शुड क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑन 31st March ऑफ एनी ईयर बिफोर एनी रिडम्पशन डिबेंचर टेक्स प्लेस। तो जब हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं तो साल के एंड में जो है हमें DRR बनाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपने कोई रिडम्पशन करनी है उससे पहले आपके पास DRR क्रिएट हो जाना चाहिए, और वो DRR जो क्रिएट होना चाहिए 31 मार्च को होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। और DRR के साथ साथ जो है हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस होता है कि जब आपने डिबेंचर को रिडीम करना है इन इन्वेस्टमेंट को इन कैश किया जाए, और उसे जो कैश अवेलेबल हो उस कैश को यूज करके हम डिबेंचर को रिडीम कर सके। तो कुछ रूल्स के हिसाब से जो है हमें कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके हम रूल का भी रीड कर रहे हैं। दिस रूल प्रिस्क्राइब दैट एवरी कंपनी इशूइंग डिबेंचर शैल इन्वेस्ट एन अमाउंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विच शैल नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर टू बी रिडीम दैट इज मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग मार्च 31st नेक्स्ट ईयर।
An investment should be made on or before April 30 of the current year. तो जब आपने डिबेंचर रिडीम करने हैं, मान लीजिए आपने 31 मार्च ऑफ 2019 को अगर डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो आपके पास जो है उससे पहले जो 30 अप्रैल पड़ेगा वो पड़ेगा आपका अप्रैल 30 2018। तो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक जो है आपको जो है जितने भी डिबेंचर आपने रिडीम करने हैं उनका उनकी नॉमिनल वैल्यू का 15% आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रूल है वो है रूल नंबर 18(7)(b) ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल नंबर 14। स्टूडेंट्स के लिए मैं इतना बताऊंगा कि रूल नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ टीचर के रेफरेंस के लिए होते हैं। एंड वन मोर नोट फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट शुड इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन अप्रैल 30 इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट करने का जो पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल 30 तक होता है। तो बस आप हम स्टूडेंट को कन्वीनियंस के लिए सजेस्ट करते हैं को अप्रैल 30 को ही वो जो है इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज जब तक कोई इन्फॉर्मेशन अलग से न दी हो, बट मैक्सिमम केसेस में डेट हमें दी होती है। अब बात आती है कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्हें DRR बनाने की जरूरत नहीं है। वो है एक तो है आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज रेगुलेटेड बाय RBI, दूसरा है बैंकिंग कंपनीज, तीसरा नेचुरल डिबेंचर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एंड फोर्थ है आपका कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो इन फोर केसेस के अंदर हमें DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और जहां DRR क्रिएट करने की जरूरत होती है वहां हम कहते हैं रिडेम्पशन डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, और जहां DRR बनाने की जरूरत नहीं होती है वहां हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। तो आउट ऑफ कैपिटल मीन कि जब आपको DRR बनाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है हाउ टू क्लोज द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। There are two ways to transfer the balance to DRR in DRR to general reserve. One is to transfer the proportionate balance as the debentures are redeemed, and the second is to transfer the balance of DRR to general reserve when all the debentures have been redeemed. चलो इसको हम example के तो समझने की कोशिश करते हैं। Example आपके पास है Alpha Beta Limited has 10% 10,000 debentures of ₹100 each outstanding as on April 1st 2016. Case 1. When the company decides to redeem 2000 debentures as on March 31, 2019, March 31, 2020, March 31, 2021, and March 31, 2022, and last installment March 31, 2023. तो हमारे पास जो हैं 10,000 debentures हैं और उनको हमने 5 equal annual installment redeem करना है। तो इस केस में जो है हमारा DRR कैसे बनेगा? तो हम जो DRR जो बनाएंगे हमारी फर्स्ट रिडेम्पशन जो हो रही है 31 मार्च 2019 को हो रही है। तो DRR अगर हमें बनाना है तो DRR हम कब बना सकते हैं? जब हमारे डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं 31 मार्च 2019 को बना सकते हैं, उससे पहले जो है हम 31 मार्च 2018 को भी बना सकते हैं, उससे पहले साल तक बनाना ज़्यादा ठीक रहेगा 31 मार्च 2018 को 2017 को 2016 नहीं बनेगा। तो 1 अप्रैल 2016 को हमारे डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, तो उससे पहले पहले हम जो है 31 मार्च 2019 से पहले पहले हमें DRR हमने क्रिएट कर लेना है, और जो हमारी रिडेम्पशन जो हो रही है वो पहले रिडेम्पशन जो हो रही है मार्च 31, 2019 को हो रही है। तो DRI क्रिएट करने की जो डेट होगी वो होगी हमारी अप्रैल 30, 2018। तो अप्रैल 30, 2018 को हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अप्रैल 31 मार्च 2018 को ही हमें DRR हमारे पास क्रिएट हो जाना चाहिए या उससे पहले क्रिएट हो जाना चाहिए। और वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका 10,200 दैट इज 10 लाख, 10 लाख का 25% 2,50,000 जो है हमारा DRR क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इन बोथ द केसेस द कंपनी शैल क्रिएट, दूसरा केस जो था हमारा व्हेन द कंपनी डीम ऑल द डिबेंचर मार्च 31, 2019, दोनों ही केस में DRR कैसे क्रिएट करना है और DRR कैसे क्रिएट करना है और कैसे जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, इसमें और थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। इन बोथ द केसेस द कंपनी शैल क्रिएट DRR ऑफ 2,50,000 विच इज इक्वल 25% 10 लाख ऑन मार्च 31, 2017 और ऑन मार्च 31, 2018 और ऑन मार्च 31, 2019 एट द एंड ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर और इंस्टॉलमेंट at the end of such mentioned years. तो हमारा जो है फर्स्ट रिडेम्पशन से पहले पहले हमारा रिडेम्पशन DRR हमारा बन जाना चाहिए। अब बात आती है DRR की, मैंने बात बताई है DRR की बात जो है पहली जो इंस्टॉलमेंट हो रही है आपकी 31 मार्च 2019 को हो रही है, तो DRI जो बनेगा अप्रैल 30 2018 को बनेगा।
सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाले केस में जो है अप्रैल 30/2019 को बनेगा, थर्ड वाले केस में जो है अप्रैल 30/2020 को बनेगा, फोर्थ केस में आपका फोर्थ ईयर में आपका DRI बनेगा आपका अप्रैल 30/2021 को, और लास्ट इंस्टॉलमेंट टाइम पे आपका DRI बनेगा अप्रैल 30/2022 को बनेगा। अब DRI को जर्नलिज्म में कैसे ट्रांसफर करना है, पहले केस में तो आपके इंस्टॉलमेंट में आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको दो आपके पास ऑप्शन है। पहला केस तो ये है इधर 25% 20 लाख, 20 लाख कैसे आया, हमारे पास जो है 2 ईयर में डिबेंचर रिडीम करना है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो आपके पास होगा 2 × 100 आपका हो गया 20 लाख रुपीज, तो 20 लाख का 25% 4 लाख रुपीज, तो DRR जो क्रिएट कर चुके हैं वो आप पूरा 10 लाख के ऊपर आप क्रिएट कर चुके हैं 2,50,000, तो 2,50,000 के आप 5 हिस्से कर लीजिए या 20 लाख का 25% निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो 20 लाख का 25% 4 लाख जो है हम जैसे डिबेंचर रिडीम करेंगे इमीडिएटली जो है हम एंट्री पास कर देंगे DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। या हम बात करेंगे कि दूसरा तरीका क्या है कि डिबेंचर का रिडीम करते जाएं और जब सारे डिबेंचर रिडीम हो जाएं, जब से लास्ट रिडेम्पशन जो होगी वो होगी मार्च 31, 2033 को, तो आप मार्च 2023 को आप जितना भी DRR के अंदर बैलेंस था दैट इज 2,50,000 वो पूरा का पूरा जो है आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि DRR की आपकी क्रिएशन और उसका ट्रांसफर आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो आपने DRI जो क्रिएट करते हैं, जो आप रिडम्पशन करने हैं उससे पहले आप DRI क्रिएट करते हैं, तो रिडम्पशन की जो आपकी ड्यू की जो एंट्री होती है, ड्यू करते साथ साथ जो है आपको DRI इनकैश करना जरूरी है, क्योंकि DRI अब बनाते इसलिए हैं कि हम डिबेंचर को रिडीम करने के लिए पैसे की अवेलेबिलिटी कर सके। दो लॉ ने तो हमें 15% तक की हमें मिनिमम रिस्ट्रिक्शन दी है, और उससे ज़्यादा भी कंपनियां कर सकती हैं, उनकी अपनी मर्जी है। बाकी का बैलेंस जो है कंपनी अपने अपने तरीके से उनका अरेंजमेंट करती हैं, तो खैर हम इस बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे पास जो रूल्स हैं हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमने टेस्ट डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा वो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ, मेल आईडी भी दिया हुआ है, एंड जितनी भी टेस्ट हमने बताई हैं उम्मीद है कि आपके सारे बेनिफिशियल होंगे, एंड इट विल दिस ऑल टेस्ट विल मेक यू कॉन्फिडेंट इन द अकाउंटेंसी पेपर दिस स्पेशली दिस चैप्टर, एंड यू विल क्रिएट अ मिरेकल इन द अकाउंटेंसी पेपर स्पेशली इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस सो फार। सो ऑल द बेस्ट फॉर the forthcoming examination and do miracles in the examination. All the best once again. Thank you for watching this channel.